और तो गाइस यहाँ का कुछ ऐसा सीन है, यहाँ पे ब्रिज पे। तो गाइस अभी चला रहा हूँ एवरेस्ट। तो गाइस व्यू देखो गाइस, कितना अच्छा व्यू है। अचानक से बोला चलो चलते हैं, और ये देखो गाइस कितनी ऑसम लग रहेगा। अगर तो आ रहा है खत्म भैस मित्री पेट तो स्वागत है आप सभी लोग का मेरे नए ब्लॉग में। और आज हम लोग जा रहे हैं तिनचुली, जो कि दार्जिलिंग के पास में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रवासदा और अजीत भाई, जो कि मेरे ही बच्चे थे। और यहाँ से हम लोग निकले हैं अभी 1 बजे की करीब, और 5 बजे कितना टाइम जाएगा देखना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं देखते हैं। तो पहले तो मेरे को गैरेज खोजना है, क्योंकि अभी मेरा जो चेन है बाइक का वो थोड़ा सा लूज हो गया है, तो उसको टाइट करना है। और उसके बाद चलेंगे, क्योंकि वो दार्जिलिंग जाने वक्त वो पेशो नाम का एक जगह है, वहाँ से क्या है कि एकदम खरा चरा ही है रोड, तो उस पर थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो सकता है मेरा चेन की वजह से, बट मैं उसको ठीक कर लूँगा। तो अभी चलते हैं फिलहाल। कालो किस मारे ली माई बांधे कोरी बाना हिमलय हृदय रैली माई बीताऊंगा जीवन। कालो किस मारे ली माई बांधे कोरी बाना अभी हम लोग ने चेन टाइट करा दिए, और अभी हम लोग निकल रहे हैं फिर से अपने डेस्टिनेशन की ओर तिनचुली। तो काफ़ी महंगा पर हजार तो हम लोग अभी हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे। ये कालिम्पोंग एंट्रेंस जो है ये देख सकते हैं, थैंक यू। ये कालिम्पोंग का गेट है, और यहाँ से आप सिक्किम जा सकते हैं। यहाँ से कालिम्पोंग को चित्रे नाम से जाना जाता है। और अभी हम लोग यहाँ पे करीबन 2:18 में हम लोग यहाँ पहुँचे, और अभी यहाँ से हम लोग टिस्टा के बाद टिस्टा बाज़ार होते 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 जाएंगे कहीं से। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग किस्टा बाज़ार एंटर करके अभी ब्रिज पे हो गए हैं, और यहाँ किस्टा बाज़ार से होते होते एक ब्रिज है, वो ब्रिज से होकर आप लोग हम लोग जाएंगे तिनचुली। और ये जो रास्ते हैं जो पेशों का जो है वो मेरे हिसाब से किसी ने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, मतलब अपलोड वगैरह नहीं किया है वीडियो इससे। तो चलो चलते हैं, आज हम लोग करते हैं इधर। तो वैसे यहाँ का कुछ ऐसा सीन है, यहाँ पे ब्रिज पे कांच लगे हुए हैं, वुडन ब्रिज है, साइड साइड से कुछ सीन दिया गया है, बट काफ़ी अच्छा है। और ये जो रोड है ये काफ़ी मतलब सेफ्टी है, क्योंकि इस पर
ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, और यहाँ पे पता के एक्सीडेंट एरिया, तो इस पर ज़्यादा मतलब बात इधर उधर नहीं करना चाहिए, रोड पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एरिया में ना ये रोड काफ़ी बिजी है। तो अभी चलते हैं, एक्सप्लोर करते करते आप लोग को भी दिखाएंगे इस रोड के। पिछली बार जब मैं आया था कॉशन जाने के लिए, तभी मैं इसको एक्सप्लोर करने वाला था, बट इस टाइम पे क्या हुआ कि मेरा गोप्रो अनफॉर्चुनेटली मैंने बंद कर दिया था, और मेरे को लग रहा था कि गोप्रो ऑन ही है, बट रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। तो इस बार कोई तक मतलब कोई गलती नहीं करेंगे, सीधा रिकॉर्ड करेंगे और एक्सप्लोर करते करते जाएंगे। तो अभी ट्रनिंग वगैरह दिखेगा उसका ही है, घुमाना पड़ रहा है। ये देखो, ये देखिए सकते नीचे के साथ रोड था, और अभी एकदम हरी चरा है। नहीं होता है,
तो गाइस देखो पीछे यही है, अभी थोड़ा धुंधला धुंधला है, क्लियर कुछ नहीं दिख रहा है, बट जब क्लियर टाइम होता है ना, जब ये बारिश हो गया इसके बाद ये सब, तो काफ़ी सुंदर दिखेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी भी जितना दिख रहा है काफ़ी अच्छा है। और हमारे साथ यहाँ पे मंजीत भाई और क्या बात कर रहे हैं, व्यू का मजे ले रहे हैं ये दोनों, कैसा लग रहा है? गाइस अगर आप लोग को यहाँ पे आना है, आप लोग लपची से होते होते लपची से राइट लेंगे तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। और व्यू काफ़ी गुम्बा डाड़ा व्यू पॉइंट, तो जैसे कि ये जगह का नाम जो है उसको गुम्बा डाड़ा व्यू पॉइंट से भी कहा जाता है। और यहाँ पे देखो पीछे काफ़ी लोग घूमने आए हैं, काफ़ी अच्छा दिखेगा, तो आप लोग आइए इंजॉय कीजिए। कंचनजंगा पूरा दिखता है, पूरा हॉरिजॉन्टल व्यू में, और नीचे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और अभी थोड़ा थोड़ा धूप आ रहा है, क्लियरिटी थोड़ा आ रहा है। और इधर एक कपल का वेडिंग फोटो शूट हो रहा है, उनको डिस्टर्ब नहीं करते इसलिए हम कोने में आके बैठे। और यहाँ ये सारी देख के हमको दर्द हो रहा है। तो गाइस यही था गुम्बा डाड़ा व्यू पॉइंट, तो अभी अगले वीडियो में नई जगह जाएंगे। कल गया था रंपू लेकिन जो काम के लिए गया था वो तो हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पे आ गया, मज़ा आ गया, लेकिन थोड़ा और क्लियरिटी हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो गाइस अभी हम लोग गुम्बा डाड़ा व्यू पॉइंट से वापस जा रहे हैं, क्योंकि टाइम हो गया है और घर भी जल्दी पहुँचना है। कल भी मैं राइड पे गया था तो 11 बजे निकला था और 8 बजे के बीच में घर पहुँचा था, तो इसलिए आज जल्दी जाएंगे और ना फिर घर पर सब लोग परेशान हो जाएंगे। और देखो गाइस मज़ेदार व्यू, आप लोग को कैसा लगा, आप लोग को ये व्यू अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और अगर आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देते आना, क्योंकि ऐसे ही काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग को देखने को मिलते रहेंगे और मैं आप लोग करता रहूँगा। सो अभी चलते हैं फिलहाल घर। तो गाइस हम लोग जहाँ से आए थे मैं नहीं दिखा पाया क्योंकि मेरा गोप्रो ऑफ था उस टाइम पे, बट अभी मैं दिखाऊंगा हम लोग कहाँ से आए। अभी हम लोग लपचू से जो रूट है, ये लपचू से आप लोग यहाँ से दार्जिलिंग जाएंगे और ये लपचू का रूट है, और यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेके यहाँ पे आए थे ऊपर। तो गाइस अभी देखो उसी रोड है और इसलिए मैं अभी 2 नंबर पे चल रहा हूँ, तो इसलिए मैंने जब आते वक्त बोला था कि 1 नंबर से 2 नंबर पे चलने के लिए पहले से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, और मैं भी वही फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि बाइक में आप लोग अगर गियर पे जाओ तो थोड़ा वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, तो ब्रेक का इशू हो जाता है, ब्रेक लगाना पड़ता है, तो ब्रेक लगाते लगाते ब्रेक गर्म हो जाता है। और बनने सा तो आ रहा है तुम्हें, बन ले गए था छप्पे बपरे की ही है नु ही। अभी हम लोग यहाँ पे रुके थे थोड़ा क्योंकि ठंड लग रहा था और भूख भी लग रहा था, तो लंच वंच कुछ नहीं किया था, फिर अभी रुके थोड़ा सा खाए नाश्ते किया और अभी घर के निकल रहे, और वेदर काफ़ी ठंडा ठंडा हो रहा है।